भोपाल का आकृति बिल्डर जानबूझकर दिवालिया हुआ है। रेरा और एक्वासिटी वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स ने अपनी इसी बात को पुख्ता साबित करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलएटी में अपील दायर की हुई है। एनसीएलएटी में इस समय जो बहस हो रही है उसमें रेरा और एक्वासिटी सोसाइटी के मेंबर्स ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आकृति बिल्डर्स के पास अभी भी बेनामी संपत्ति है जिसे बेचकर बिल्डर्स होम बायर्स को उनका हक दे सकता है। खास बात यह है, आकृति बिल्डर के दिवालिया होने की पड़ताल में 10 सूत्र ने जिस संयोग का जिक्र किया था उसे एक्वासिटी की तरफ से पिछली सुनवाई में कोर्ट के सामने रखा गया और इस पर रेरा ने एक्शन लिया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे संवाददाता राहुल शर्मा की ये रिपोर्ट। वो संयोग क्या था जिसे 10 सूत्र ने अपनी खबर में बताया था, वो एक बार फिर बता देते हैं। ये संयोग एक ही नाम के 3 कैरेक्टर से जुड़ा है। दैनिक भास्कर ने एनसीएलएटी इंदौर बेंच में जब आकृति के खिलाफ याचिका लगाई तब सुनवाई के कोरम में टेक्निकल मेंबर के रूप में कौशलेंद्र सिंह को शामिल किया गया। ये कौशलेंद्र नाम के पहले कैरेक्टर है। दैनिक जागरण अखबार में 30 जनवरी 2014 को 2 बिल्डर्स पर इनकम टैक्स के छापे की खबर छपी थी। हेडिंग थी, राजधानी के 2 बिल्डर्स के यहाँ इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई। इसी खबर में आखिर की 2 लाइन से पहले लिखा है, 10 महीने पहले सर्वे की कार्रवाई इन दोनों बिल्डर्स के यहाँ की गई थी और जुलाई 2008 से जून 2013 तक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के महत्वपूर्ण पदों पर थे कौशलेंद्र सिंह। ये कौशलेंद्र दूसरे कैरेक्टर। आकृति एक्वासिटी में बुकिंग कराने वालों के नाम जब खंगाले गए तो इनमें 34वें नंबर पर PO 98, 35वें नंबर पर PO 99 और 44वें नंबर पर PO 117 के आगे जो नाम लिखा है वो है मिस्टर कौशलिन। इनके नाम से यहाँ 3 प्रॉपर्टी। नाम तो लिखा है मगर ना तो मोबाइल नंबर है और ना ही कोई एड्रेस, ना ही बुकिंग अमाउंट लिखा हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये संपत्ति बेनामी। ये वो संयोग था जिसका जिक्र एनसीएलएटी की पिछली सुनवाई में किया गया। देखिए, शुरू से ही जब से ही ये इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हुई है तभी से ही ये सवालों के घेरे में है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डाउटफुल हैं। और इस पर्टिकुलर नाम से किए इसलिए था बिकॉज ये नाम 3 जगह आ रहा है। ये तो ये क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। इधर रेरा ने भी एक आदेश पारित कर कौशलेंद्र के नाम से जो प्लॉट था उस आवंटन को निरस्त कर दिया। रेरा ने अचानक ही आवंटन निरस्त करने का फैसला नहीं लिया बल्कि रेरा ने 10 अक्टूबर 2022 को आकृति बिल्डर्स से बेनामी संपत्तियों की जानकारी मांगी थी। आकृति बिल्डर्स की तरफ से 104 नाम दिए गए। जो लिस्ट दी उसमें कौशलेंद्र की संपत्ति के आगे VIP लिखा। जब आकृति बिल्डर्स से पूछा गया कि VIP क्यों लिखा है तो कहा गया कि ये टाइपिंग एरर है। लेकिन सोसाइटी के मेंबर्स का कहना है कि टाइपिंग एरर एक नाम के साथ हो सकता है, 3-3 नामों के साथ नहीं। साल के तौर पर 3 नाम बताता हूँ। एक मिस्टर कौशलेंद्र है जिनके नाम के आगे VIP लिखा हुआ है, एक मिस्टर GD सोनी है जिनके नाम पे के आगे VIP लिखा हुआ है, एक मिस्टर सेरा है जिनके नाम के आगे VIP लिखा हुआ है। और इनके नाम पे एक नहीं, इनके नाम पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो है वो इनको अलॉट की हुई है। तो क्वेश्चन ये बताता है कि क्लैरिकल एरर एक के साथ में हो सकता है, इतने सारों के साथ में क्लैरिकल एरर नहीं हो सकता अलग अलग रिकॉर्ड्स में, और ये हमारे रिकॉर्ड्स नहीं है, ये बिल्डर के खुद रिकॉर्ड्स हैं जो उन्होंने कोर्ट में सबमिट किए हैं। रेरा अब बाकी बेनामी संपत्तियों की जांच में जुट गया और रेरा ने 20 जून को अहम फैसला देते हुए ये भी तय किया है कि आकृति बिल्डर्स के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए हाउसिंग बोर्ड को जिम्मा सौंपा जाए। होम बायर्स भी मानते हैं कि ये उनके पक्ष में है। सिर्फ प्रोजेक्ट सिर्फ 4 दीवारों से नहीं बनता कर, इसमें आपको बाकी सर्विसेज भी चाहिए, इसमें आपको नगर निगम का सपोर्ट चाहिए, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सपोर्ट चाहिए। तो अगर हाउसिंग बोर्ड आएगा तो वो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन होम बायर्स के लिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होगी। रेरा का हाउसिंग बोर्ड के निर्माण की इजाजत देने का फैसला लेना, एनसीएलएटी में बेनामी संपत्ति का जिक्र करना, इससे साफ जाहिर होता है कि रेरा और एक्वासिटी के मेंबर्स अपनी तरफ से ये दलील दे रहे हैं कि आकृति बिल्डर्स जानबूझकर दिवालिया हुआ है, जबकि अभी भी कई बेनामी संपत्तियां उनके पास है जिसे बेचकर होम बायर्स को राहत मिल सकती है और जो अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें पूरा किया जा सकता है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
साथ ही YouTube पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे WhatsApp नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।